असलम एन वेलकम टू माई किचन आई एम सो सॉरी दोस्तों ने घर की वजह से शिफ्टिंग में इतनी मसरूफियात हो गई थी कि मैं कोई रेसिपी रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार नाचते गए इवनिंग स्नैक की रेसिपी बेल्जियन वॉफल्स बहुत ही ईजी रेसिपी है बहुत ही क्लासिक बनते हैं बेल्जियन वॉफल बनाने के लिए आपको एक बेल्जियन वफ़ल मेकर की ज़रूरत पड़ेगी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मैंने केमार्ट से लिया है और इसमें जो है वो परफेक्ट बेल्जियन वॉफल का शेप बनता है इसके अलावा बहुत सिंपल इन्ग्रीडियंट्स हैं कोई हाई फाई रेसिपी नहीं है आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी को डिटेल में देखते हैं यहाँ मैंने मैदा दूध मक्खन अंडे और वनीला एसेंस वगैरह लिया है मैंने लिया सबसे पहले आपको फोर टीस्पून बेकिंग पाउडर की जरूरत होगी जी हाँ ये फोर टीस्पून बेकिंग पाउडर है ये वो स्पून हैं जो मैं यूज करती हूँ मेजरिंग के लिए तो मेक श्योर कीजिएगा लेवल पे फोर टीस्पून बेकिंग पाउडर हो दो रूम टेम्परेचर अंडे होने चाहिए आप ट्वेंटी मिनट्स पहले बाहर निकाल के रख दें टू कप्स मिल्क लिया है मैंने टू कप्स मिल्क है ये वो मेजरिंग कप है जो मैंने आइकिया से लिया है और इसी में मैं मेजर करती हूँ इसके अलावा मैंने वन टीस्पून वनीला एसेंस लिया है टू कप्स मैंने मैदा लिया है ये भी लेवल करके लिया है मेजरिंग कप से हाफ कप मेल्टेड बटर लिया है मैंने ये भी मेजरिंग कप से आपको लेवल करना है हर चीज़ मेजरिंग कप से लेवल होगी और वन थर्ड कप शुगर लेंगे हम वन थर्ड कप शुगर इन सारे इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी बेल्जियन वॉफल बनाने के लिए चलें मेथड की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले एक बाउल में आप मैदा डाल दें टू कप्स मैदा और उसमें फोर टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दें प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा आपका बेकिंग पाउडर एक्सपायर ना हो अब इसमें वन थर्ड कप शुगर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें जब ये पूरा मिक्सचर एक जान हो जाए तब सेकेंड स्टेप की तरफ आगे बढ़ें एक बाउल में दूध को शामिल करें टू कप्स मिल्क शामिल करें फिर उसमें मक्खन शामिल करें जो मेल्टेड बटर है हमारा अब हम इसमें वनीला एसेंस को शामिल करेंगे अब इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लें अब एक और प्याला लें जिसमें दो सफ़ेदियाँ अलग कर लें और एक अलग प्याले में दो जर्दियाँ अलग कर लें तो अंडे को आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना है एक प्याले में दो सफ़ेदियाँ एक प्याले में दो जर्दियाँ इस तरीके से आपके पास चार मुकम्मल स्टेप्स होंगे एक जो आपका ड्राई फ्लावर का है एक दूध मक्खन और वनीला एसेंस का है अब इसमें आप जो है दो जर्दियों को शामिल कर लें ध्यान रखें सफेदी अभी हमने शामिल नहीं की सिर्फ दो जर्दियाँ शामिल की हैं इस बैटर को हम अच्छे से मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे अब हमारे पास एक ये बैटर है एक ड्राई बैटर है और एक प्याले में दो अंडे की सफेदियाँ हैं अब हम इस बैटर को मैदे में मिलाएंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हैंड बीटर से या हाथ से जो भी आपके लिए फिजेबल हो मैं हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ अब आप देख सकते हैं कि एक बैटर मुकम्मल तैयार है और दो अंडे की सफ़ेदियाँ अभी भी मैंने अलग रखी हैं दो अंडे की सफ़ेदियों को आपको इतना ब्लेंड करना है कि सॉफ्ट पीक्स हो जाए जब आप अंडे की सफ़ेदी को बहुत अच्छा ब्लेंड करते हैं तो वो इस तरीके की फोमी मिक्सचर में आ जाती है अब आप इस अंडे की सफ़ेदी को बैटर में मिलाएंगे और अब आप सिर्फ स्पैचुला की मदद से इसको फोल्ड करेंगे ध्यान रखिएगा कि इस स्टेज पे ब्लेंडर यूज ना करें बैटर अब बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है वॉफल मेकर को मैंने दो मिनट प्री हीट किया था मैक्स की स्पीड पर अब मैं अपने वॉफल मेकर पे थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करूंगी अगर आपके पास ऑयल स्प्रे नहीं है आप ब्रश से भी ऑयल रब कर सकते हैं एक चम्मच भर के मैंने वॉफल मेकर में वॉफल का बैटर डाल दिया है अब बंद करके ढाई मिनट ईच साइड में पकाऊंगी ऑल टुगेदर फाइव मिनट्स टू एंड हाफ मिनट्स अपर साइड एंड टू एंड हाफ मिनट्स लोअर साइड अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ ताकि ये दोनों साइड से इक्वली बने ये देखिए दोस्तों कितने मज़े का लजीज क्रिस्पी बेल्जियन वॉफल आपका तैयार है आप इसकी टॉपिंग अपनी मर्जी की कर सकते हैं वनीला आइसक्रीम मेपल सिरप बटर स्प्रिंकल चॉकलेट स्ट्रॉबेरीज ब्लूबेरीज बनाना उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पस... पसंद आएगी और आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे अपनी फैमिली के लिए ट्राई कीजिएगा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बतूल